बढ़िया चीज चाहिए चीप चाहिए हर एक चीज आपको चाहिए बट बहुत छोटो से प्राइस में तो यहाँ पे मेरे पास है आज एक मैजिक गाइस, मैजिक मैस लेके रही हो कॉल अगर आप देखेंगे ना आपको मजा ना आ जाए ना तो कहना आप तो मेरे पास है मेरे पास अगेन मार्स तो यहाँ पे है मार्स का लिटिल ब्लश थ्री इन वन ओके ये एक पैलेट है इसमें आपको ब्लशर हाइलाइटर आई शेडो मिल रहा है डिजाइन इन इंडिया तो so, इसका पैकेजिंग आप देख ले इतना मजे का पैकेजिंग है इसका देख के मन करेगा ये तो मेरे पास होना ही चाहता है एक लाइट ऑरेंजिश काइंड ऑफ कलर है इस इसपे छोटे छोटे से हार्ट बने हुए हैं उस पर लिखा है लिटिल ब्लश ओके थ्री इन वन एंड पीछे 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 पीछे, पीछे यहाँ पे सब कुछ मेंशन है आप देख लें और इसकी पैकेजिंग इतनी बढ़िया है ना इस ब्लशर के इंग्रेडिएंट से वो अलग से मेंशन है हाईलाइटर के जो इंग्रेडिएंट से वो अलग से मेंशन है एंड आई शेडो के जो इंग्रेडिएंट से वो अलग से मेंशन है सब कुछ बहुत अच्छे से बहुत क्लियरली लिखा हुआ है और आप सेल्फ लाइफ आपको फोर्स ईयर्स yes, की इसकी लाइफ मिलती है इसका जो प्राइस है थ्री हंड्रेड परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ये आपको जस्ट टू हंड्रेड का ही मिलने वाला है कॉजिया हमेशा डिस्काउंट पर रहता है टू हंड्रेड से कम मिल जाएगा बट टू हंड्रेड से ज़्यादा आपको ये नहीं मिलेगा ट्रस्ट नहीं आल बुद्ध द लिंक एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप देख लें आप ले लें इस इसमें इसकी डेट मेंशन है और यहाँ पे लिखा है मेड इन आर पी सी ओके इसकी जो डिजाइन है वो इंडिया में है इसका शेड है वन है इसको इसमें आपको आई थिंक थ्री शेड्स अवेलेबल हैं और इसका बी पी जीरो टू इसका जो वो। सी गाइस ओ माय गॉड सो so, इसकी जो पैकेजिंग है वो बहुत लाइट ऑरेंज कलर की है अगेन इस पे मार्स लिखा हुआ है और छोटे छोटे छोट से बहुत सारे गोल्डन कलर के हार्ट्स बने हुए हैं आप देख सकते हैं तो so, यहाँ पे लिखा है ब्लश हाइलाइटर ब्लश 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 आई शेडो तो यहाँ पे अच्छे से आपको मेंशन करा हुआ है कौन सा चीज़ आपके किसके लिए है अगर आप बिगनर से आपको नहीं पता कहाँ पे क्या यूज़ करना है गैस देखो मैं बता दूँ मेकअप के कोई रूल रेगुलेशन नहीं होते कुछ भी आप कहीं पर भी, भी लगा सकते हैं बट बस ये टेक्निक होनी चाहिए आपको लगाना आना चाहिए बाकी लिपस्टिक को आप कहीं लगा लें आप आई शेडो को ब्लश यूज़ कर लें ओके तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे इसकी सेल्फ लाइफ लिखी हुई है यहाँ पे ना दिखा हुआ है कि मेरा जो शेड है वो ज़ीरो वन है ओके okay, इसकी शेल्फ लाइफ नंबर डेट एवरीथिंग इज मैंशन इन द पैलेट ओके क्योंकि बॉक्स में अगर पैलेट में नहीं हो दिक्कत हो जाती है ओ माई आर सो 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 ब्यूटिफुल गाइज ये मैट है और ये पूरा दिखना है आपको हाईलाइटर है देन अगेन ब्लश अगेन मैट अगेन मैट एंड दिस इज हल्का सा आपको सारे शेड्स अप्लाई करके दिखाती हूँ ये ब्लश है एंड ये हमारा हाइलाइटर है इसकी स्मेल बहुत ज्यादा अच्छी है लाइक like, इस रेंज में ऐसी चीज और इसकी पैकेजिंग वाइज इतनी ज्यादा इम्प्रेसिव है इतनी अच्छी इसकी पैकेजिंग है देख के आपको मजा आ जाना है आपके बैग में है आप कॉलेज में है ना आपको थोड़ा सा थो थो टचअप करना है अपने फेस पे और इसको अपने बैग में से निकाल रहे हैं देन सब देखेंगे कि है क्या है, और अब यूज क्या कर रहे हैं ट्रस्ट मी तो मैं इसको आपको लगा कर दिखा दूँ ये हल्का सा है हमारा दिस इज ऑल्सो फॉर ब्लश तो गाइस इस कॉन्टोर के लिए अगर आपको चाहिए आपके लिए दू, आपको दूसरा पैलेट लेना पड़ेगा उसमें आपको ब्लश हाइलाइटर एंड कॉन्टोर मिलेगा उसमें आपको आई शेडो नहीं मिलेगा तो मैंने यहाँ पे मैं मैं आप मुझे जानते हैं अगर तो मैं कॉन्टोरिंग नहीं करती हूँ मुझे इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लश ब्लश मंगाया कॉज ब्लश की मैं बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ैन हूँ मैं आपको ना इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा तो देखने के लिए कि ये कैसा है और गाइस इसमें अलग अलग ब्लशेस दिए हैं अगर आप नाइट टाइम में ब्लश लगा रहे हैं आप थोड़ा सा डार्क वाला लगाएंगे ये वाला डे टाइम में आप थोड़ा सा लाइट वाला लगाएंगे और कम टाइम ना हम ऐसा होता है कि हमें ना कोई वॉम मेकअप लुक करना होता है लाइक थोड़ा सा थोड़ा सा नाइट टाइम जैसे थोड़ा पार्टी वाइज जैसे तो हम उस वक्त ये वाला ब्लश यूज़ करेंगे और इसमें एक हाईलाइटर है और दे आर सो 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 गुड तो मैं अपना लाइट और डार्क दोनों को मिला के ब्लश लगाऊंगी हम एक्सेस को रिमूव करेंगे एंड दे आर सो गुड एंड दे आर सो अफोर्डेबल एज वेल गाइज सी दे आर सो पिगमेंटेड एज वेल और ब्लश के बिना तो जिंदगी है ही नहीं गाइज दे आर सो अब एक बार ले रहे हैं और आपसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे एंड हल्का सा मैं लगाऊंगी नोज पे कॉज नोज पे ब्लश बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है लगाना बट स्टिल मुझे ब्लश नोज़ पे लगाना बहुत अच्छा लगता है इंस्टेंटली फेस इतना ज़्यादा अच्छा लगा फेस पे आपने कुछ नहीं किया जैसे आप ब्लश लगा रहे हैं ना तो फेस इतना ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता है और ये ना बहुत ईजीली ब्लैंड हो रहा है एंड दिस इज सो बटरी पाउडरी बिल्कुल नहीं है अगर आप कोई बहुत से ब्रशेज होते हैं ना पाउडरी होते हैं बट ये बिल्कुल भी पाउडरी नहीं है बहुत अच्छे से लाइक ब्लेंड हो गया है एंड मुझे हैंड से बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है कि मैंने कोई ब्लश या फिर कुछ भी पाउडर अपने फेस पे अप्लाई करा है तो नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं अपना हाइलाइटर वैसे पहले हम पहले एक बार आई शेडो वाला देख लेते हैं वो कितना पिगमेंटेड है क्या है तो यहाँ पे जो है हमारा आई शेडो के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको बट मैं हल्का सा पहले मैट यूज़ कर लेती हूँ ये बिकॉज ये हल्का सा है यू नो तो मैट के ऊपर हम शिमर लगाएंगे तो ज्यादा उभर के आएगा मैंने अभी कोई कंसीलर नहीं लगाया है तो आप बोलना नहीं कि कैसा कलर दिख रहा है कॉज है तो पिंक बट मैंने अभी कोई कलर नहीं लगाया है मे बी वो इतने अच्छे से ना विजिबल हो ये कंसीलर लगाने के बाद ना कलर अच्छे से दिखता है यू नो तो यहाँ पे मैं हल्का सा शिमर जो सान है वो ले रही हूँ जो पिंक वाला हमारा ये वाला था अपने फिंगर्स में एंड दिस मैं उसको अपनी सी नेक्स्ट एक बार हम हमने हाइलाइटर यूज करके देख लेते हैं तो ये है हमारा ये और ये यहाँ पे ले रही हूँ मैं हाइलाइटर तो गाइज अगर हम हाइलाइटर की बात करें हैं तो इतना ज्यादा शिमर या फिर शीन नहीं है आपको इसको लगा के ना हल्का हल्का बिल्ड करना पड़ेगा सी अगर आप सोचें एक बार में आपको आपके फेस को हाईलाइटिंग हो जाएगी तो ऐसा नहीं होगा कॉज सी यहाँ पे यूज कर रही हूँ आपको ना बहुत सटल कवरेज देता है आपके फेस को बहुत सटल वे में आपके फेस को हाईलाइट करता है और अगर आप टीनेजर हैं बिगिनर्स हैं तो आपके लिए परफेक्ट है कॉज बहुत ज्यादा अगर लगा लेते हैं आप तो, तो फिर वो निकलने भी प्रॉब्लम होता है ठीक है ना तो एक पैलेट ने हमारा पूरा मेकअप कर दिया मैं बैठी थी कैसे और अब मैं कैसी हूँ ब्लश हाईलाइटर आई शेडो एवरी इन दिस छोटू से पैलेट में गाइज और ये जस्ट रुपीज टू हंड्रेड का है इससे अच्छा और इससे बेहतर पैलेट आपको मिल ही नहीं सकता गाइज सो गाइज ये था आज का मेरा छोटा सा सा रिव्यू अगर आपको अच्छा लगा देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स आल्सो एंड गिव मी अ थम्स अप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और इसका लिंक डाल दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में